तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किम छो, किड़ो हाल है और कसा कर, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे और घूमने जाएंगे हैदराबाद की जान, हैदराबाद की शान और हैदराबाद का दिल, चार मीनार। चार मीनार के बारे में हम चल के कुछ ना कुछ हिस्ट्री मालूम करते हैं, क्यों बिल्ड हुआ, किस लिए बिल्ड हुआ और किसके लिए बिल्ड हुआ और कब बिल्ड हुआ। तो इसके लिए हमको अभी चार मीनार की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग भी अभी हमारे साथ चार मीनार की ओर चलिए। अभी चलते हैं, हम चार मीनार के बारे में हिस्ट्री मालूम करते हैं। तो सो कम ऑन, लेट्स मूव ऑन। चार मीनार बाय वॉक जाना पड़ता है यहाँ से। यहाँ तक जो है तो टू व्हीलर्स, ऑटो और आपकी फोर व्हीलर आती है। उसके बाद यहीं तक ही आप जा सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से चार मीनार का ख़राब हो रहा था कलर वगैरह। तो इस वजह से यहाँ से, यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है तो यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। तो आप बाय वॉक जाना पड़ता है अंदर। और पहले ये मार्केट नहीं हुआ करता था, अंदर का जो सामने भी आपको दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं चार मीनार के ऊपर और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पहले यहाँ पर ये रोड ही था और अब इसको यहाँ के गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो इस वजह से ये लोकल मार्केट लग चुका है। पहले यहाँ पर मार्केट नहीं था कुछ साल पहले, आप देख सकते हैं। और चार मीनार फुल्ली सराउंडेड है मार्केट से। इसके चारों तरफ आपको सराउंडिंग में मार्केट ही मार्केट मिलेगा। पूरा लेडीज़ का मार्केट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरीज, बैंगल्स और सैंडल्स वगैरह और ब्राइडल कलेक्शन मिलेगा आपको यहाँ के मार्केट के अंदर, जो चार मीनार के आजू बाजू है। चार मीनार के इन फ्रंट में है ये हॉस्पिटल। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है यहाँ का। और यही हॉस्पिटल के अपोजिट में है यहाँ की प्यारी मक्का मस्जिद। ये मक्का मस्जिद भी हिस्टोरिकल मस्जिद है। और ये मक्का मस्जिद के बारे में भी हम जानेंगे, और पहले हम जानेंगे चार मीनार के बारे में, कैसे बिल्ड हुआ, कब बिल्ड हुआ और क्यों बिल्ड हुआ। चार मीनार के पास अभी हम चार मीनार के लिए अंदर एंटर होंगे, जाएंगे और यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेंगे और अंदर चार मीनार के अंदर जाएंगे। काउंटर में लग चुके लाइन में, अभी हम लेंगे टिकट और टिकट लेके ऊपर जाएंगे। और फॉर इंडियन विजिटर्स ओनली 25 रुपीज टिकट इज देयर। कि हम हिंदुस्तान के हैं तो हमें सिर्फ 25 रुपया लगेगा, और अगर हम फॉरेनर्स हैं तो उसके चार्जेस अलग है, इंडियन को सिर्फ 25 रुपीज में। फाउंटेन है यहाँ चार मीनार के अंदर लगा हुआ है। जब ये चार मीनार बिल्ड हुआ था, जब से ये फाउंटेन लगा हुआ है। हम ऊपर चार मीनार के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर जो है तो टोटल 149 स्टेप्स है। और पहले इतनी आर्किटेक्चरिंग नहीं थी, तो उस लेवल पे इतना प्यारा बिल्ड किया गया है, देख सकते हैं यहाँ से। ये सब पुराना स्ट्रक्चर और ये बनाया गया है वेंटिलेशन के लिए। इतने पुराने जमाने के अंदर ऐसे स्टेप्स बनाना बहुत टास्किंग था, पर इसके अंदर बनाया गया है। हमारी 149 स्टेप्स कंप्लीट हो गई है।
149 इज सॉरी। फाइनली आप इतने सारे स्टेप करके आ चुके हैं चार मीनार के ऊपर और यहाँ से देख सकते हैं कि चार मीनार है और बहुत ही ब्यूटीफुली बिल्डअप किया गया है। उस जमाने में जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और न साइंस इतना एडवांस था न टेक्निक्स थी कोई भी चीज लिफ्टअप करने की, उस वक्त में इतना प्यारा बिल्डअप किया गया है तो बहुत बड़ी बात है। और ये बिल्ड किया गया है कुली कुतुब शाह ने 1589 में स्टार्टअप हुआ। आप देख सकते हैं चार मीनार के अंदर हम लोग आ चुके हैं, अभी हम एक साइड पर है उसके, अब हम अगली साइड पर जाएंगे और ये है यहाँ से चार मीनार का व्यू, चार मीनार से कैसा लगता है नीचे मार्केट वगैरह। तो ये चार मीनार के सामने से मार्केट है, ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप पुराने जमाने के अंदर ऐसी कारीगरी बाकी में कि आज भी अगर हम करने जाएं तो इस तरह का कोई भी चीज़ बिल्ड ना कर पाए, जबकि पुराने ज़माने के अंदर ना कोई टेक्निक्स थी ना साइंस इतना आगे था ना कोई चीज़ थी ना मेजरमेंट टेप्स हुआ करते थे। और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से एकदम मैनरफुल वे में एकदम उसको बनाया गया है, तराशा गया है, देख सकते हैं आप। अब ये लोगों ने ख़राब कर दिया, प्लीज़ यार ये ऐसी जगहों पे आए तो मॉन्यूमेंट्स को ख़राब मत करो यार, अपना नाम लिख के आप जिसका नाम लिख रहे हो वो कौन सा यहाँ पर आने वाली है यार, प्लीज़ ऐसा नाम लिख के ख़राब मत करो। मोहब्बत है, मोहब्बत दिल में रखो अपनी, दीवार पे लिखने से मोहब्बत नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ से पूरे पिलर्स वगैरह सब चीज़ और एकदम ब्यूटीफुली बिल्डअप किया गया है और उस टाइम पर भी इतना कैलकुलेटेड बिल्ड किया गया है कि ड्रेन आउट सिस्टम भी दिया गया है उस समय के अंदर भी, उस टाइम पर भी बिल्ड आउट सिस्टम दिया गया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से बिल्ड आउट सिस्टम और चारों साइड आपको चार मीनार के ऐसी क्राउडेड एरिया दिखेगा और वहाँ से जो दूर दूर जो बस जा रही है वहाँ से एक दिख रही होगी आपको, शायद कैमरे में नज़र ना आए क्लियरली। तो ये है पूरा यहाँ पर छोटा सा बाज़ार लगता है, लोकल मार्केट लगता है, डेली रहता है। तो देख सकते हैं फाइनली हम आ चुके हैं चार मीनार के ऊपर और ये चार मीनार बिल्ड किया था कुली कुतुब शाह ने 1589 के अंदर, ये काम स्टार्ट हुआ था और चार मीनार को बनने में लगे थे पूरे 2 साल और 2 साल के बाद ये चार मीनार 9 अक्टूबर को कम्प्लीट हो गया था और वहाँ से स्टार्ट हो गया था। और चार मीनार के अंदर 149 स्टेप्स है और 12 लैंडिंग्स है, लैंडिंग्स पूरे जो स्टेप्स की लैंडिंग्स होती है वो 12 लैंडिंग्स है। उस वक्त इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट को बिल्डअप करने के लिए आर्किटेक्चरिंग डिज़ाइन दिया था मीर मोइन बस्तरवादी ने और इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिया है, इतना ब्यूटीफुल एक्सेस दिया है, हर एक चीज़ दिया है उन्होंने उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने में आप कंप्यूटराइज कोई चीज़ नहीं कर सकते थे, कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। 1400 टन का बनाया है ये चार मीनार और आज से 431 साल पहले बिल्डअप हुआ था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 431 साल पहले, ये बहुत बड़ी बात होती थी 431 साल पहले, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी और इतना प्यारा इतना प्योरली बिल्ड किया गया है चार मीनार आज से। और आज तो इतनी टेक्निक्स और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन डालो आपको हर एक चीज़ कैलकुलेटेड होकर मिल जाती है। तो यही खास बात है चार मीनार की जो कि कुली कुतुब शाह ने बनाया है हैदराबाद के लिए, हिंदुस्तान के लिए। 431 साल पहले यह बिल्ड हुआ था और इसके अंदर ग्रेनाइट लाइमस्टोन मार्बल यूज हुआ है और इसी के साथ ये चार मीनार क्यों बना आज तक स्पेसिफिकली किसी को रीजन पता नहीं है, पर किसने बनाया उसके स्पेसिफिक रीजन पता है और स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन पता है, वो है कुली कुतुब शाह, उनका पूरा नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह।
उन्होंने ये चार मीनार बनाया है। अब किस कोई कहते हैं चार मीनार इसलिए बनाया है कि यहाँ पर जो है तो मार्केट डेवलप होगा इसलिए बनाया था, या कोई बोलते हैं उनकी वाइफ के लिए बनाया था, या कोई बोलते हैं यहाँ से गोलकुंडा फोर्ट के लिए रास्ता जाता है, तो पता नहीं ये मिस्ट्री उन्हीं के साथ चलेगी। अगर आपको मालूम पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या अगर हमें मालूम पड़ती है तो नेक्स्ट वीडियो चार मीनार के ऊपर हम शुरू कर देंगे। क्लियर विजन देख सकते हैं मक्का मस्जिद का, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मक्का मस्जिद है, लोग अभी नमाज के लिए वजू कर रहे हैं। और ये निम्रा कैफे एंड बेकरी, अभी हम नीचे गए बाद यहाँ पर चाय पियेंगे निम्रा पे। चार मीनार को आए और चाय नहीं पिए तो कोई बात हुई क्या यार। आपसे ऊपर कहा था कि हम नीचे चल के निम्रा कैफे बेकरी के ऊपर चाय और उस्मानिया बिस्किट खाते हैं। हमारी चाय है और उस्मानिया बिस्किट और उसके साथ एक केक, अब हम इसको खाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हमको एक यूनिक चीज मिली है यहाँ पर, गुफ्तियम कॉइन कलेक्शन बोल के, यहाँ पर पुराने जमाने के कॉइन्स मिलते हैं, ब्रिटिश के जमाने से लेके तो अब तक के पूरी इनके पास करेंसीज अवेलेबल है और ये सेल आउट करते हैं। और ये मक्का मस्जिद को लगकर ही है, चार मीनार से थोड़ा ही आगे, तो ये देख सकते हैं आप, ये सब पुराने कॉइन्स है, ये देखिए ये पुराना कॉइन देख सकते हैं आप, वन आना ईस्ट इंडिया कंपनी टोकन, ईस्ट इंडिया कंपनी का टोकन, क्या रेट में पड़ेगा? चार मीनार के मार्केट से गुजर रहे थे तो हमें दिखे यहाँ पर पुराने जमाने के कॉइन्स, देख सकते हैं आप। पूरी वैरायटीज है जो जो इनके पास है यहाँ पर, जिसको बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि पुराने ज़माने के कॉइन्स कलेक्ट करने का, ये देख सकते हैं 1980 का एक रुपया हिंदुस्तान का, और ये 50 पैसा, और ये देख सकते हैं 1990 का इंडिया का कॉइन 5 रुपया। ये नोट्स वगैरह भी देख सकते हैं पूरे, ये है एक आना ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब यहाँ ब्रिटिश रूल करता था उस वक्त का ये कॉइन है, देख सकते हैं। बहुत सारे कॉइन्स हैं, हमारा रुख करते हैं मक्का मस्जिद की तरफ और चलते हैं मक्का मस्जिद, देखते हैं कैसी अंदर आ चुके हैं मक्का मस्जिद के अंदर। और ये मक्का मस्जिद भी मोहम्मद खुली कुतुब शाह ने ही बनाई थी, उनके अंदर ही कंस्ट्रक्ट हुई है ये, और ये भी ब्यूटीफुली डिज़ाइन है एकदम, और ये भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इंडिया के अंदर। और ये मक्का मस्जिद जो है तो लोकेटेड है चार मीनार के एग्जैक्ट सामने, ये है चार मीनार और ये है मक्का मस्जिद। आप देख सकते हैं ओल्ड कार्विंग मक्का मस्जिद की, एकदम ब्यूटीफुली बनाई गई है, और सबसे बड़ी बात आज तक ये स्ट्रक्चर ख़राब नहीं हुआ है इतने सालों से। मक्का मस्जिद का वजू खाना, और ये भी पुराना ही बिल्ड है, मोहम्मद खुले कुतुब शाह के ज़माने से ही ये बिल्ड है, और ये मस्जिद भी उनके अंडर ही कंस्ट्रक्ट हुई है, मोहम्मद खुले कुतुब शाह जो डायनेस्टी थे यहाँ के उनके अंडर।
चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं मस्जिद कैसी है अंदर। ये मस्जिद है और ये मस्जिद का सहन है जो लोग यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ते हैं। और ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद के अंदर आती है और ये इसका एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं और रमज़ान के महीने के अंदर यहाँ पर जब तरावी होती है तो एक अलग ही समा होता है। और ये सब चीज़ कुली कुतुब शाह के दौर से ही बनी ही हुई है मस्जिद के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं मस्जिद के अंदर। और ये जो अंदर आपको मस्जिद के अंदर जो कपड़े के अंदर रैप गुम्बद नज़र आ रहे हैं वो है हीरे के, ओरिजिनल हीरे के लगे हुए हैं। इसकी बिल्डिंग क्वालिटी देखिए आप, इतना पुराना स्ट्रक्चर है और आज भी माशाल्लाह जैसा का वैसा ही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बस थोड़ी बहुत अंदर से रिपेयरिंग हुई है, वो है पॉलिशिंग, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ मस्जिद में आज तक। जैसा का वैसी पुराना ही बिल्डअप है और ये जो जाली वगैरह लगी है वो भी कबूतर वगैरह की वजह से लगी है। ये देखिए इसके पिलर्स, ये मीनार है मस्जिद का एक। पुराने वक्त में एसी और फैंस वगैरह नहीं हुआ करते थे तो इसके अंदर कैसे टेम्परेचर मेंटेन रहता था, तो हम वो बताते हैं आपको। टेम्परेचर ये जो दिख रहे हैं आपको बॉक्स टाइप, तो ये थे रोशनदान प्लस वेंटिलेशन के लिए। रोशनदान इन द सेंस कि सनलाइट वहाँ से पड़ती थी और यहाँ अंदर सब उजाला होता था और इसके थ्रू जो है तो मस्जिद के अंदर हवा पास होती थी जो वेंटिलेशन कहते थे। ये वेंटिलेटेड वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था, सब प्योरली पुराना आर्किटेक्ट है। ये सब ग्रेवयार्ड्स हैं निज़ाम के फैमिलीज की, ये देख सकते हैं मक्का मस्जिद के अंदर ये ग्रेवयार्ड्स बने हुए हैं। ये सब नवाबों की है, सॉरी निज़ाम्स की है, फिर जितने भी निज़ाम्स थे यहाँ पर उनके ग्रेवयार्ड्स बने हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा कि हम आए थे हैदराबाद की मक्का मस्जिद के अंदर, मस्जिद में आके नमाज का वक्त हो रहा था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद हमने जितना मस्जिद का कवर कर सकते थे उतना किया। और अब इस मस्जिद के अंदर आने के लिए तीन रास्ते हैं। एक रास्ता जो जिससे हम आए थे वो मेन एंट्रेंस थी और उसके बैक साइड में दो एंट्रेंस है मस्जिद के लिए। और मस्जिद बहुत प्यारी और बहुत ब्यूटीफुल बनी है अंदर से। अगर आप लोग कभी हैदराबाद आए तो मक्का मस्जिद ज़रूर आना, बहुत ज़्यादा प्यारी मस्जिद बनी है।